जल्दी करो, नमस्ते तो करो। नमस्ते, बाय बाय। अच्छा लो जल्दी, बाय बाय बाय। तो फ्रेंड्स, शिवी को छोड़ भी दिया था घर पे, वो घर से स्कूल पे, और अब जा रही हूँ लेने के लिए उसको। फ्रेंड्स, अब शिवी को घर पे तो ले आए और चेंज भी करा दिए और बहुत खुश है। ये देखो कितना देर चीख चीख रही है, आवाजें कर रही है। अभी दिखाती हूँ आपको। क्या कर रही हो? गाड़ी चला रही हो? स्कूल में कैसा लगा था? स्कूल में कौन मिला था शिवी को? मैंने पूछा था टीचर्स के, रोए तो नहीं थे? बोली नहीं, मैं बिल्कुल नहीं रोई, ऐसे ऐसे करके बोल रही थी, तो मुझे अच्छा लगा। तो बस अभी मिलती हूँ शाम को आपसे। मजा आ रहा है? मजा कुछ नहीं आ रहा है, बस काम रेगुलर वाला, वही सब करना, झाड़ू पोछा बर्तन, खाना पीना, यही मेरी जिंदगी है भाई। हल्की हवा चल रही है फ्रेंड्स, मैं तो बैठ रही हूँ यहाँ पे, यहाँ नीचे बैठ जाती हूँ आराम से फ्रेंड्स में। तो फ्रेंड्स, अभी खाने की तैयारी पूरी हो चुकी थी, सब्जी सब बन चुकी थी, मैं व्लॉग बनाना ही भूल गई उस टाइम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग शूट हो रहा है एज यूजुअल कानपुर उत्तर प्रदेश से, और आज है 2 जुलाई और मौसम आज काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। बादल है मगर बारिश नहीं हुई है कल से, मतलब कल दोपहर के 12 बजे तक हुई थी, उसके बाद से कोई बारिश नहीं हुई। तो फिर आज तो शिवी का स्कूल खुलना था, इसलिए ना व्लॉग आज का मॉर्निंग में स्टार्ट हो गया है। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है 8:30 बजे। तो बस शिवी को जा रहे हैं स्कूल छोड़ने फ्रेंड्स, और निकलते हैं फिर सीधे घर आके मिलूंगी आपसे। थोड़ा सा भी शिवी की क्लिप्स दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि शिवी भी रेडी हो गई है। फिर नमस्ते करो, हाय करो। शिवी कहाँ जा रही है? शिवी कहाँ जा रही है? चलो जल्दी चलो, आ जाओ जल्दी, आओ, लेट हो जाओगी नहीं तो। हो गई है रेडी अपने स्कूल जाने के लिए, बाय शिवी। जल्दी चलो, जल्दी जल्दी दादी बाबा से बाय करो, चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, लेट हो जाओगी, जल्दी 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 करो। नमस्ते तो करो, चलो जल्दी। बाय बाय बाय। बाय बाय। तो फ्रेंड्स, शिवी को छोड़ भी दिया था घर पे, वो घर से स्कूल पे, और अब जा रही हूँ लेने के लिए उसको, क्योंकि बीच में मैंने वीडियो बनाया नहीं, आप लोगों को पता ही है। तो क्योंकि काम था पहले, चाय वाय नाश्ता वगैरह किया, उतने में शिवी का टाइम हो जाता है, 11 बज गया है। तो अब जा रहे हैं स्कूल उसको वापस लेने के लिए, तो चलती हूँ, देखती हूँ, रोई हुई तो नहीं थी। फ्रेंड्स, अब शिवी को घर पे तो ले आए और चेंज भी करा दिया और बहुत खुश है। ये देखो कितना देर चीख चीख रही है, आवाजें कर रही है। अभी दिखाती हूँ आपको। क्या कर रही हो? गाड़ी चला रही हो? स्कूल में कैसा लगा था? स्कूल में कौन मिला था शिवी को? मैम मिली थी, और कौन मिला था? बच्चे मिले थे। अच्छा लगा था स्कूल में? शिवी रोई तो नहीं थी? गाड़ी चलाने में बिजी है भाई। ओ, चक्कर लग गई। ओ, क्या हो गया? क्या हुआ? नहीं भाई, मेरे टक्कर नहीं मारना। अरे अरे, मेरे लग जाएगी, लग जाएगी। हाँ, बाय 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 शिवी, बाय। तो फ्रेंड्स, बहुत ही खुश है, मुझे लग रहा था रोएगी, लेकिन रोई बिल्कुल भी नहीं थी। टीचर्स के साथ में काफी फ्रेंडली हुई थी, खुश भी हो गई थी। मैंने पूछा आप रोए थे नहीं थे? तो बोली नहीं। मैंने कहा अभी आप लोग सामने, मैंने पूछा स्कूल में कैसा लगा, तो बता रही अच्छा लगा। तो रोई बिल्कुल भी नहीं थी, जबकि 1.5 महीने बाद स्कूल गई थी, और काफी टाइम हो जाता है, बच्चे कहीं ना कहीं भूल जाते हैं चीज़ों को, लेकिन वो बहुत खुश थी। तो आज फाइनली उसको फिर से समर वेकेशन खत्म हो गए, स्कूल जाना स्टार्ट हो गया। तो देखते हैं अब कैसा इनकी जर्नी चलती है स्कूल की। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। शिवी को तो सुलाई दिया था, आ गई थी, थोड़ा सा खेली, उसके बाद मैंने उसको सुला दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है वो जल्दी उठ गई थी आज मॉर्निंग में, तो सुबह दोपहर में जल्दी भी सो गई। तो अभी मैंने ना अपना खाना बना लिया है। खाना क्या, मेरी सब्जियाँ थोड़ी सी बची रखी थी, ये देखो रात वाली बची रखी थी, तो इसी से खा रही हूँ। रोटी रखी थी, वो रोटी तो मैंने गर्म सेक ली, रखी नहीं थी,
तो बस वही खाने जा रही। कुछ आवाज़ हुई फ्रेंड्स बर्तनों की, मैं तो इतनी देर डर गई मुझे लगा कि आवाज़ हुई अजीब सी, तो बस अभी खाना ना खाती हूँ फ्रेंड्स, फिर देखूँगी शाम वाम को, देखती हूँ आप लोगों से शाम को मिलती हूँ फिर। और बाकी का आज तो शिवी ने बहुत इन्जॉय किया अपने स्कूल में, बहुत उसको मज़ा आया, तो मुझे भी लगा कि चलो उसने इन्जॉय किया, नहीं तो 1.5 महीने में मुझे तो ये लग रहा था कि वो भूल ही जाएगी स्कूल लेकिन उसने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, मतलब खुद खुश रही। मैंने पूछा था टीचर्स के रोए तो नहीं थे, बोली नहीं मैं बिल्कुल नहीं रोई, ऐसे ऐसे करके बोल रही थी, तो मुझे अच्छा लगा। तो बस अभी मिलती हूँ शाम को आपसे। तो फ्रेंड्स अभी शाम हो गई है और शाम की चाय मेरी बन के तैयार हो गई है, ये देखिए और ग्लास में भर के बनाई है मैंने, ये देखो और ये भी अपना देख रही है थोड़ा सा टीवी, इतने टाइम थोड़ा टीवी लगा देती हूँ मैं उसकी। और मौसम जो है ना अब काफ़ी हद तक खुल गया है धीरे धीरे, तो थोड़ी सी उमस स्टार्ट हो गई है, मतलब सुबह तक बढ़िया मौसम था और अब थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, मतलब गर्मी वाला बढ़ने लगा है। कल तो हमें रात में एसी भी नहीं चलाना पड़ा, बहुत बढ़िया मौसम था फ्रेंड्स, कल बहुत ठंडा एकदम बढ़िया कूल वेदर था। तो आज तो शिवी भी स्कूल गई थी इसीलिए गई थी, अगर मौसम खराब होता तो जाहिर सी बात है आज भी हैवी रेनफॉल की वजह से ऑफ हो ही जाता है स्कूल का। और आज तो भाई देखते हैं, मज़ा आ गया मुझे खासकर, और क्यों आ गया वो भी बताती हूँ। लाइट चली गई फ्रेंड्स आजकल ये बच का बहुत हो रहा है मेरे साथ में, कभी मैं आप लोगों के संग ब्लॉग बनाती हूँ उसी टाइम पे लाइट चली जाएगी, या फिर कहो एकदम से बर्तन गिर जाए तो मैं डर जाती हूँ चलिए फ्रेंड्स अभी चाय पीते हैं फटाफट से। और खुश मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैंने आप लोग बताया था ना कि आज अच्छा क्यों लग रहा है, क्योंकि आज शेखर कल भी घर पे थे और आज भी घर पे है। आज घर पे क्यों है क्योंकि आज ट्यूजडे है, और आज शेखर ऐसे घर पे है कि सुबह से घर पे ही नहीं है आप लोग सोच रहे होंगे मैं कह क्या रही हूँ, समझ नहीं पा रहे होंगे, मैं बताती हूँ फ्रेंड्स। आज शेखर का हॉलीडे रहता है ट्यूजडे के दिन, लेकिन हुआ ये कि ट्यूजडे के दिन ऑफ जरूर रहता है मगर काम उनके पास इतने सारे होते हैं ना कि वो छुट्टी हो कर भी साथ में नहीं हो पाते, तो बस ऐसे ही मैं कह रही हूँ। मजा आ रहा है, मजा कुछ नहीं आ रहा है, बस काम रेगुलर वाला वही सब करना, झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना, यही मेरी जिंदगी है भाई शिवी आप कहाँ जा रही हो? आराम से चढ़ना। हाँ चढ़ो 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 आराम से चढ़ो। अरे वाह आज तो शिवी अपने आप चढ़ रही है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आराम से आराम से, हंसते नहीं है। चलो चलो चलो। हाँ वेरी गुड। अच्छा रेनबो भी कहाँ दिख रहा है ये चढ़ गए हम ऊपर, हम कहाँ आ गए, हम लोग कहाँ आ गए? दीदी अभी ऊपर नहीं आई। शिवी हम कहाँ आ गए? टेरेस टेरेस टेरेस, भागो 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 भागो, पकड़ो 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 शिवी को पकड़ो। ओ पक ये मैंने फेंक दी शिवी के पास, ये लो ओ मैं मर के पास फेंक दी भाई अरे 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 ये क्या हो रहा है ये देखो दोनों बोले मेरे पास फेंक दिए, ये देखो फ्रेंड्स एक ये और एक कहाँ गई, एक ये देखो एक ये दोनों मेरे पास फेंक दी, गंदी कर देती है, एक तो ये वाली है कपड़े की बॉल्स है ये, और ये दोनों की दोनों गंदी कर रही है। अभी वॉश भी करूँगी ना इनको, तो ये इतनी गंदी हो गई है कि धूप ही नहीं निकल रही है तो सूखेगी भी नहीं, ये हाल है। कहाँ जा रही हूँ भाग जाती है अब फ्रेंड्स थोड़े थोड़े मच्छर बढ़ गए हैं, पहले ना गर्मी थी तो मच्छर गायब हो गए थे, अब फिर से मच्छर ही मच्छर हो गए चारों तरफ, बहुत ज़्यादा मच्छर हो गए। हाँ क्या क्या तुम कहाँ छुपी हो? मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, मैंने शिवी को ढूंढ लिया, मैंने ढूंढ लिया भाई, मैंने ढूंढ लिया शिवी को तुम छुपी हो, मैं थोड़ी ना छुपी हूँ। ओ मुझे तो लग रही है गर्मी, आप हवा भी नहीं चल रही, बहुत हल्की हवा चल रही है फ्रेंड्स, मैं तो बैठ रही हूँ यहाँ पे, यहाँ नीचे बैठ जाती हूँ आराम से फ्रेंड्स मैं तो यही हूँ, तुम कहाँ हो? हाँ मैं तो यही हूँ, मेरी शिवी कहाँ है? शिवी छुप गई है बेटा, मैं यही हूँ वो उधर से आने वाली है, अब इधर से आएगी, कहाँ से आने वाली है देखते हैं देखते हैं, इधर से आएगी, इधर से आएगी या फिर इधर, अरे इधर से आ गई आप किधर से आ रहे हो शिवी? किधर से आ रही है? किधर हो जाऊँ?
कुछ कह रही है, मेरे से कह रही है इधर हो जाओ उधर हो जाओ। अब उधर से आइए, देखिएगा इधर से आएगी या फिर इधर से आएगी, देखते किधर से आती है, यहाँ से या फिर यहाँ से। आवाज़ तो इधर से आ रही है, इधर साइड से आवाज़ आ रही है। अब देखते हैं शिवी कहाँ से आती है। तुम कहाँ हो? ये मैंने ढूंढ लिया शिवी को, मैंने शिवी को ढूंढ लिया। पूजा हो गई है, अरे शिवी को पानी पीना है भाई, शिवी को पहले पानी दे देती हूँ। आरती आप लोग ले लीजिए दूर से। तो फ्रेंड्स अभी खाने की तैयारी पूरी हो चुकी थी, सब्जी वब्जी सब बन चुकी थी, मैं व्लॉग बनाना ही भूल गई उस टाइम पे। तो मैं ना अभी बनाने जा रही हूँ अपने लिए पराठे, अपने लिए क्या शिवी को बना के खिला चुकी हूँ। तो पहले शेखर, अब शेखर तो घर पे है ही, तो उनके लिए बना रही हूँ। और सब्जी मैंने बनाई थी अरबी की, तो दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये मेरी थाली जो कि शेखर के लिए लगा दी, और अरबी की सब्जी थोड़ी सी ब्लैक लग रही होगी, वो इसलिए क्योंकि मैं लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ। फ्रेंड्स मेरा हमेशा यही रहता है कि 90% खाना मैं लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ। जो कुकर में बनता है वो कुकर का एक अलग है, लेकिन मेरा जो भी कढ़ाई वाली सब्जी बनाती हूँ ना, वो मैं लोहे की कढ़ाई का ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, अपनी नॉन स्टिक वाली कढ़ाई को यूज़ नहीं करती। क्योंकि लोहे की कढ़ाई का फ्लेवर भी अच्छा आता है, प्लस लोहे की का जो खाना होता है ना कहीं आयरन बॉडी में जाता है लोहे की चीज़ों में बनाने से। तो मेरा यही प्रेफरेंस रहता है कि आयरन की चीज़ें मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो बस अब तो शेखर के लिए पराठा सीखने जा रही हूँ, और कोई अरबी सब्जी, यानी हमारे इधर कानपुर साइड में गुइया बोलते हैं ज़्यादातर लोग उसको अरबी बोलते हैं। तो जो अरबी की सब्जी है उसके साथ में मैंने मीठा दही शेखर के लिए लिया था, और भी तवा गर्म हो गया मेरा बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगी फ्रेंड्स। तो ब्लॉग आज का कैसा लगा? आज शिवी का काफ़ी दिनों बाद स्कूल था, जुलाई में, यानी कि पूरा 1.5 महीने बाद आज उसका स्कूल खुला था। अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ब्लॉग को जरूर लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं वहाँ से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।